साथियों, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे उसमें सरकार सिर्फ एक निमित्त मात्र है, एक सहयोगी रूप में है, एक कैटलिक एजेंट के रूप में है। कभी कभी तो सरकार आड़े न आए तो भी देशवासी बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं, ये सामर्थ्य होता है। असल काम हम सभी एक नागरिक के नाते, देश के हर नागरिक कर सकते हैं और करके दिखाया भी है भूतकाल में। ये जो लक्ष्य आज कुछ लोगों को मुश्किल दिखता है, उसको हम सभी देशवासी मिलकर जन भागीदारी से संभव बनाने वाले हैं। साथियों, जन भागीदारी की व्यवस्था को सशक्त करने के लिए देश में बहुत सारे क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है। कृषि हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कौशल विकास हो, ऐसे हर क्षेत्र में मानव सेवा और जन कल्याण की भावना के साथ अनेक संगठन काम करते हैं। हमारा प्रयास है कि इन संस्थाओं को अपने काम के लिए पूंजी जुटाने का एक माध्यम दिया जाए। यही कारण है कि बजट में स्टॉक एक्सचेंज की तर्ज पर ही एक इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म यानी एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की गई है। आज अखबारों में देखा है, बड़ी चर्चा है इसकी, बड़ी सराहना हो रही है। इस माध्यम से ये स्वयंसेवी संस्थान अपनी लिस्टिंग कर पाएंगे और जरूरत के मुताबिक पूंजी जुटा सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारे सामूहिक प्रयास 5 वर्ष में 5 लाख करोड़ डॉलर के आर्थिक पड़ाव तक, 5 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक पड़ाव तक हमें जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, ये सब क्यों किया जा रहा है। साथियों, ये वो वर्ग है जिन्हें हम प्रोफेशनल पेसिमिस्ट भी कह सकते हैं। ये पेशेवर निराशावादी, और ये पेशेवर निराशावादी सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, कटे हुए होते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप किसी सामान्य व्यक्ति के पास समस्या लेकर जाएंगे तो वो आपकी समस्या को समझ करके उपाय खोजने में आपका साथी बन जाएगा और कभी कभी समाधान देगा भी। पर इन पेशेवर निराशावादियों के पास अगर आप उनकी झपट में आ गए, उनके पास पहुंच गए, आप जाएंगे समाधान लेने के लिए, वो आपको संकट में डाल देगा। समाधान को संकट में कैसे बदलना, ये पेशेवर निराशावादियों के उसमें बड़ी मास्टरी होती है। साथियों, किसी भी विचार की विवेचना भी जरूरी होती है और आलोचना भी जरूरी होती है। और 5 ट्रिलियन डॉलर के संबंध में देश में उत्साह भरना, ये भी तो जिम्मेवारी है, वरना यही रोते रहेंगे, ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा सोचा जाता है क्या? कोई कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आप याद करिए, गंभीर से गंभीर बीमारी की स्थिति में भी डॉक्टर को पता है पेशेंट का क्या होगा, लेकिन डॉक्टर हमेशा मरीज को उत्साह बढ़ाता है।
आप चिंता मत कीजिए, बस अभी ठीक हो जाएगा, बस दो दिन का मामला है। क्योंकि अगर पेशेंट उत्साह से भरा हो जाएगा तो बीमारी को भी परास्त कर करके निकल सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग पेशेंट के मिलने जाते हैं और क्या करते हैं, अच्छा हार्ट अटैक हो गया, अरे वो देखिए ना वो हमारे मोहन चाचा के बेटे को 40 साल की उम्र, बोलो चला गया, उधर गए थे उनका एकदम जवान बेटा, अभी तो शादी तय हुई थी, चला गया। अब आप उसकी खबर पूछने गए कि उसकी बर्बादी करने गए? ये पेशेवर निराशावादी मानसिकता है जी, उनको भी लगता नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता नहीं, वो पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं, तुम अच्छे हो जाओगे नहीं कह रहे, उसको कह रहे यार वो भी तो गया था। साथियों, सकारात्मक माहौल मरीज में भी नई ऊर्जा भर देता है। साथियों, देश को ऐसे नकारात्मक लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। हां, हमें यह चर्चा व्यापक रूप से करनी चाहिए, यह चर्चा होनी चाहिए कि भाई मोदी जो कह रहे हैं वो दिशा सही है या नहीं है, जो स्टेप्स बता रहे हैं, जो संसाधनों की बात करते हैं, जो प्रक्रिया की बात करते हैं, वो ठीक है कि नहीं है, वो सब चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा करते हुए इसमें नए सुझाव भी देने चाहिए, लेकिन 5 ट्रिलियन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए यार, कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं समझता हूं ऐसा करने के बजाय कैसे किया जा सकता है, कौन से कदम उठाने चाहिए, 5 क्यों 6 पर कैसे चल पड़े, ये मिजाज पैदा करने की जरूरत होती है। और इसे लेकर देश के विद्वज्जनों, आलोचकों, विवेचकों, अर्थशास्त्रियों की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका स्वागत है। और मैं तो इन चीजों को इसलिए महत्व देता हूं, मैं एक बहुत पुरानी एक सत्य घटना आपको सुनाता हूं। मैं बहुत सुबह जल्दी उठने वालों में से रहा हूं, हमेशा बहुत अर्ली राइजर रहा हूं। तो एक बार मैं सुबह स्कूटर पर जा रहा था, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था, अंधेरा भी था, तो अहमदाबाद में एक गरीब कोई व्यक्ति खड़े थे, उसने हाथ ऊपर किया, मैं खड़ा रह गया, अकेले थे, ट्रैफिक भी नहीं था, अभी तो सुबह सुबह था, बहुत जल्दी था, तो मुझे पूछने लगे कि भाई साहब मैं साबरमती जा रहा हूं, मैं इस तरफ जा रहा हूं, मैं ठीक जा रहा हूं ना? तो मैंने कहा अरे भाई ये तो बहुत दूर है, तुम पैदल जा रहे हो तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे तुम्हारे, तुम थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में बस शुरू हो जाएगी, सिटी बस, उसमें बैठ करके चले जाना। तो उसने कहा साहब 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे ये तो बताओ मेरी दिशा सही है ना? मैंने कहा भाई लेकिन देर होगी। उसने दोबारा मुझे, एक आदिवासी, अनपढ़ आदिवासी ने मुझे उस दिन पाठ पढ़ा दिया, उसने कहा साहब ये बताओ मेरी दिशा सही है ना? मैंने कहा भाई तुम्हारा रास्ता दिशा तो सही है, ये ही रास्ते जाओगे तुम साबरमती पहुंचोगे। साथियों, हमारी दिशा सही है, मेरा 130 करोड़ देशवासियों पर विश्वास भी बड़ा गजब है जी।